उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 39 थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फरार चल रहे दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज था। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि तमंचे के बल पर उन्होंने लूट का प्लान बनाया था। लूट की घटना को ये बदमाश अंजाम देते उससे पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को ये भी बताया कि वो पहले भी कई लूट की वारदात को अंजाम दे चुके थे। लुटेरे हैं, ये गाड़ियों में बैठ के ओला गाड़ी में अपने इस ओला गाड़ी चलाते थे, दिन में रात में लोगों को उठाते थे, उसका तो लोगों को लूटते थे। उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे पहले इसमें पद में लिखे गए हैं, जो दो अरेस्ट हुए उसमें कपुल और प्रशांत। प्रशांत पे 5 मुकदमे हैं, कपुल पे 6 हैं और ज़्यादातर इसमें सारे लूट के हैं। तो इनको हम गैंगस्टर एक्ट में इनके ऊपर लगा हुआ था, रिवांचित चल रहे थे। इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। तो कल चेकिंग के दौरान सेक्टर 39 पुलिस ने इनको 37 सेक्टर से अरेस्ट किया। तो इनके पास है 315 बोल का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस। पुरानी लूट का भी कोई सामान बरामद नहीं हुआ। वो इनसे पूछताछ चल रही है रिकवरी के लिए। कोर्ट से जब इनका रिमांड लिया जाएगा तो रिकवरी की उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। पुरानी लूट में ज़्यादातर चार्जशीट लग चुकी है इनके खिलाफ। तो जो मुकदमे कहीं जहाँ पेंडिंग होंगे तो उसमें रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। अभी तो केवल गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है ना? अभी गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है। गैंग में कितने लोग हैं इनके? टोटल 5 लोग हैं, पर 2 ही लोग इनको गैंगस्टर में डाले गए थे क्योंकि ये ही मेन गिरफ्तारी करते हैं। तो मुकदमे इसमें पहले 4-5 लोग इनकी टीम से जा चुके हैं, पर 2 लोग ये सबसे ज़्यादा चाहते हैं तो इनको गैंगस्टर में डाला गया था। पुलिस ने बताया कि ये दोनों अपराधी कई महीनों से फरार चल रहे थे। पुलिस दोनों को काफी दिनों से तलाश कर रही थी। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर के पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम भी दोनों पर घोषित किया था। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया। टीम न्यूज़ नुक्कड़।